हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूरस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो एट क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। चैप्टर आपका बहुत ही छोटा है, एक ही क्लास में आपकी इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त हो जाएगी और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास करना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि चैप्टर में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए जानने जरूरी होते हैं। अगर उन पॉइंट्स का हमें ज्ञान होता है, संज्ञान होता है, तो हम चीजों को अपने को किसी भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा क्वेश्चन हो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लास लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। ये कह रहे हैं पिछली कक्षाओं में आपने बीजीय व्यंजकों और समीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, समीकरण क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसे व्यंजक जो हमने देखे जिनके कुछ उदाहरण है, जैसे ये क्या है 5x 3x-3, 3x+y, 2xy+5, xyz+x+y+z, x² + 1 + मतलब कि y+y², ये सारे हमारे क्या है उदाहरण है कि हम ये समीकरण के, ये जो है वो हमारे क्या है बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है, इनको हम बीजीय व्यंजक क्यों कह रहे हैं? बीजीय व्यंजक में हमारा इक्वल टू नहीं आता है, सिर्फ हमारा व्यंजक ही दिया गया होता है, इसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये तो खाली या तो चर से बने होते हैं या चर और अचर से बने होते हैं। ठीक है, अब बात आती है चर क्या होते हैं। तो जितने भी हमारे वेरिएबल हैं, जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी, ऐसे हम कुछ भी जो पी क्यू आर, ये जो हम मान के लिख लेते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। और जो हमारे अचर होते हैं वो अचर क्या होते हैं? अचर जो होते हैं, जो भी हमारी संख्याएं होती हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अचर होते हैं। तो बीजीय व्यंजक या तो खाली चर से मिलकर बनते हैं या चर और अचर दोनों से मिलकर बनते हैं, इनमें इक्वल टू नहीं आता है। पर समीकरण क्या होता है? समीकरण यही जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, अगर इनके इक्वल टू में कुछ लिख देते हैं तो ये हमारे बीजीय समीकरण बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाते हैं? समीकरण बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे 5x = 25 दिया है, 2x - 3 = 9 दिया है, 2y + 5y² = 37/2 दिया गया है, 6z + 10 = -2 दिया गया है। ये सब क्या है? हमारे समीकरण है। इक्वल टू अगर दे दिया गया है तो वो हमारे समीकरण में चेंज हो जाते हैं। तो यही बात इन्होंने बता दिया है। आपको याद होगा कि समीकरणों में सदैव समता का चिन्ह प्रयोग होता है, जो व्यंजकों में नहीं प्रयोग होता, मतलब बीजीय व्यंजक जो होते हैं उनमें प्रयोग नहीं होता। आगे चलते हैं। तो आगे इन्होंने लिखा है इन व्यंजकों में कुछ में एक से अधिक चर प्रयोग हुए हैं, जैसे एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ पे कितने चर हमने यूज किए हैं? 2 चर यूज किए हैं। तो ये 2 चर वाला हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है। समीकरण बनाने के लिए केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रैखिक समीकरण बताने वाले हैं। बात आती है रैखिक व्यंजक क्या होता है। रैखिक व्यंजक जिस चर की घात 1 हो, जिसकी घात 1 होता है उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। अगर y की घात 1 है उसको हम y ही लिखेंगे, z की घात 1 है तो उसको हम z ही लिखेंगे। घात में 1 कभी नहीं लिखी जाती है। तो जिसकी घात 1 होती है वही हमारा रैखिक व्यंजक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी घात 1 ही है, कहीं पे स्क्वायर नहीं है, कहीं पे क्यूब नहीं है, कोई भी पावर 4 नहीं लिखी है, सिर्फ एक्स वाई जेड इसी फॉर्म में दिया गया है। तो 2x है, 2x+1 है, 3x-7 है, 12-5z है, 5/4 × x-4+10। ठीक है, अपॉन में है तो कोई बात नहीं, अपॉन में तो है, संख्या अपॉन में होनी चाहिए पर ये अपॉन में नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये जैसे कि ये का मतलब हमारा 1/x इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो वो हमारा बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ के x, यहाँ से x की पावर चेंज हो जाएगी। तो अगर संख्या इसके साथ में जो है इस तरीके से अगर है 5/4x इस तरीके से है तो ये हमारा बीजीय व्यंजक में ही आएगा। ठीक है, अगर ये इन्होंने ये सेम यहाँ पे बताया है x² + 1 y + y² 1 + z
जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ये जो हमारे रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी घात जो है कुछ और ही दी गई है, एक घात नहीं दी गई, इसलिए ये हमारे बीजीय व्यंजक नहीं है, जिनको हम बीजीय व्यंजक है पर रेखीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है चर की अधिकतम घात एक से अधिक है, इसलिए आगे चलते हैं। तो आगे इन्होंने बताया है अब हम समीकरणों में केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग करेंगे, ऐसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब जिनकी जिनमें घात नहीं लगी होती है, एक ही घात होती है, इक्वल टू भी लगा होता है, तो उन्हें एक चर वाला रैखिक समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक चर वाला रैखिक समीकरण बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा चर है, ये हमारा अचर है। इक्वल टू को हम समता चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, मतलब बराबर के चिन्ह को समता चिन्ह बोलते हैं। तो ये जो पूरा इस तरीके से बनता है वो हमारी क्या बन जाती है? समीकरण बन जाती है। ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा क्या है? बायां पक्ष है। ये वाला हिस्सा हमारा दायां पक्ष है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने यहाँ पे देख लिया। आगे चलते हैं। तो इन्होंने बोला है यही चीज बोला है आरएचएस और एलएचएस के बारे में बोला है। एलएचएस हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, आरएचएस हमारा राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, जिसको हम दायां पक्ष बोलते हैं, एलएचएस को हम बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक समीकरण में बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है, मतलब अगर बीच में इक्वल टू लगा है तो इधर वाला वैल्यू और इधर वाला वैल्यू जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो अगर बराबर है तो ही बराबर लगेगा, नहीं तो इक्वल टू नॉट लगेगा। तो इन्होंने 3x-3=7 दिया गया है, तो इसको समीकरण को हल करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा समीकरण क्या दिया गया है, 2x-3=7, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमारा बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। मान लो हमने x की वैल्यू जो है वो ले ली है कि हमने x की वैल्यू 2 ले ली है, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम पर डिपेंड करता है। तो हमने अगर x की वैल्यू 2 ली है तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, ये हम LHS निकाल रहे हैं, LHS वाला जो पद है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 × 2 − 3 सॉल्व करेंगे, 4 − 3 = 1 आ गया, मतलब x बराबर 2 जो है समीकरण का हल नहीं है, इससे नई वैल्यू निकलेगी। हम कुछ और रखते हैं x की जगह पर, अगर हम x बराबर रखते हैं 4 रखते हैं, तब देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 4 − 3, तो 2 × 8 − 3, तो हमारा ये 5 आ जाएगा। तो ये भी समीकरण का हल नहीं निकला, ठीक है, इससे भी समीकरण का हल नहीं निकला। तो हम कुछ और वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं 10 रख लेते हैं, x बराबर 10 रखते हैं। तो x बराबर जब हम 10 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 10 रखा ना, 2 × 10 और माइनस का 3, तो हो जाएगा 2 × 10 5 रखते हैं, 10 रहने देते हैं, 5 रख देते हैं। ठीक है, 5 रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 × 10 − 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मतलब x बराबर 5 जो है वो समीकरण का हल निकाल रहा है, इससे हमारी वैल्यू जो है वो बराबर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से हल करना है। फिर ये करें समीकरण को हल कैसे किया था, हमने आपको बता ही दिया है कैसे हल करना है। फिर आगे चलते हैं, आगे इन्होंने लिखा है समीकरण हल करना जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो, दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो तब हम कैसे, जैसे कि हमने अभी क्या देखा था, इसमें दोनों पक्षों में इधर तो चर था नहीं, इधर चर था, ठीक है, हमको अब सॉल्व कैसे करना है, जब दोनों पक्षों में चर हो, इधर भी चर हो उधर भी चर हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो ये है हमारा उदाहरण नंबर 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं हल कीजिए, तो हमें इसको हल करना है। जैसे कि ये वाला हमारा LHS है और ये वाला हमारा RHS है, तो हम LHS ले लेते हैं, ठीक है, या हमें हम इनको दोनों को साथ, ठीक है, हमें क्या बोलते हैं, सत्यापित तो करना नहीं है, तो LHS RHS की जरूरत नहीं है, दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2x − 3 = x + 2, तो हम जितने भी x वाले टर्म हैं, जितने भी हमारे चर हैं उनको एक साइड कर लेंगे, जितने भी अचर हैं, जितने भी हमारी संख्याएं हैं उनको एक साइड कर लेंगे। तो अब एक और बात ध्यान रखना, बराबर की कोई चीज जब इधर से इधर जाती है, उधर से उधर जाती है, तो उनके चिन्ह जो है उल्टे हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 2x ऑलरेडी पहले से इधर था, तो हमने वैसे का वैसे उतार दिया। अब हम x को इधर ले आ रहे हैं, इधर x प्लस में था, इधर आते ही माइनस में हो गया, इधर 2 जो था प्लस में था ऑलरेडी, अभी माइनस के 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लस
प्लस का 3 हो जाएगा, 5 लिख दिया था, अब इतना हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा 1x बचेगा, 1 लिखते नहीं है तो x लिख दिया, और 2 और 3 हमारा 5 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी निकल के आ गई है, 5 निकल के आ गई है, ठीक है, 5 निकल के आ गई है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उदाहरण नंबर 2 को। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, आगे हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा क्वेश्चन यही दिया गया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन इतना हमारा दिया गया था, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास था 5x+7/2 = 3x/2 और माइनस का 14, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन। अब हमें इसको करना कैसे है, तो भाई क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले एक साइड में ले लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्स वाले साइड में ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है जो ये तरीका बता रहे हैं उसी तरीके से हम करें, पहले हम 5x पहले से था, 3/2x इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 3/2x और -14 ऑलरेडी उधर था, और ये 7/2 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 7/2। अब हम क्या करेंगे, ये अपॉन में 2 खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी जो समीकरण है उसको हम 2 से गुणा कर लेंगे, चाहे तो आप बिना गुणा करे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर हम पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2 अपॉन में जो है वो खत्म हो जाएगा, 2 से 5 की गुणा होगी तो 5×10x हो जाएगा, इसी 2 की हमारी कैसे गुणा होगी, 3/2 गुणे में x इस तरीके से है, और गुणे हमारा 2 भी हो जाएगा ये वाला 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 10x - 3x आ जाएगा। ऐसे ही इस 2 के पहले 14 से गुणा होगी, माइनस का जो 14 है पहले तो उससे गुणा होगी, फिर इसी 2 की ये जो हमारा माइनस का 7/2 है इससे गुणा होगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हमारा ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 14 × 2 हमारा माइनस का 28 आ जाएगा, इधर हमारा माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 गया तो हमारा 7x बचेगा, इधर हमारा जुड़ जाएगा, माइनस माइनस हमारे हमेशा जुड़ते हैं, सेम चिन्ह वाले हमेशा हमारे जुड़ते हैं, तो 7×28 = 37, 35, माइनस का 35 आ जाएगा, माइनस था। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को भी उधर करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इधर वेरिएबल रखना है, इधर अचर रखना है, मतलब इधर चर रखना है, इधर हमारा अचर रखना है, तो हमें 7 को उधर भेजना पड़ेगा क्योंकि 7 तो अचर है, तो -35 था इधर, बटे में हमारा 7 लिख दिया, 7 × 7 = 35, चाहे तो आप यहां से भी काट सकते थे। तो ये x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई, आप देख सकते हो माइनस का 5 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू माइनस का 5 आ गई, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से उदाहरण हमारा ये कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन 2 भी। अब उसके बाद हमारे एक्सरसाइज 2.1 है जिसको हम कल कराएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने उदाहरण नंबर 3 को देखना है। ये कह रहे हैं समीकरणों को सरल रूप में बदलो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 6x+1/3 है, प्लस में 1। ठीक है, इसको सरल रूप में हमें बदलना है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी, तो हम इसको कहाँ पे, यहाँ पे सॉल्व, चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब हम अगर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे तो आप इजी से समझ जाओगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, 6x+1/3 है। ठीक है, इस तरीके से दिया है, और प्लस में 1 है, और बराबर में x-3/6 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपॉन में जो है उसको खत्म करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन में हमारा ये कैसे खत्म होगा, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ के बटे में 1 मान लेंगे, तो 3 × 1 = 3 करेंगे, 1 गुणा इससे करेंगे तो 6x+1 हो जाएगा, और 3 × 1 = 3 कर देंगे। ठीक है, कैची गुणा वाली हमने विधि से सॉल्व किया है, इधर x-3/6 ऑलरेडी था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 6x1/3 हमारा 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 है, इधर हमारा x-3/6 है। ठीक है, अब हम कैसे अपॉन क्या करेंगे, अपॉन में खत्म करने के लिए हम कैची गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो 6 × 6 से जब हमारी हुई तो हमारा हो गया है 6×6 = 36, आप देख सकते हो x, और 6×6 = 24। अब 3 की गुणा हम पूरे इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और माइनस का 3×3 = 9। अब हम संख्या संख्या एक साइड करेंगे, ठीक, और
चर वाले जो है एक्स 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 ऐड करेंगे, तो इधर हमारा 36x ऑलरेडी था, 3x इधर आया तो ये माइनस में हो गया, और हमारा माइनस में ऑलरेडी इधर था, और 24 को हमने उधर भेजा तो ये माइनस में चला गया। अब 36 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 33x बचेगा, इधर हमारा कितना आ जाएगा, 9 4 13, 33 इधर भी आ जाएगा माइनस का। अब 33 एकम 33 इस तरीके से काट देते हैं, या ऐसे कर सकते हो, एक्स इधर लिखा माइनस 33 के बटे में 33 लिखा, ठीक है, 33 एकम 33, 33 एकम 33 माइनस का 1 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बुक में जो तरीका बताया जा रहा है हम सिर्फ उसी को यूज करेंगे। हाँ, अगर कोई विधि बताई जा रही है, ठीक है, तो उसको हम यूज करेंगे, पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, वो आप इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये उत्तर की जांच कर रहे हैं, तो हमें x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, -1 आई थी, तो जहां जहां पे x था वहां पे हमने -1 लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि x की गुणा -1 से हो गई, -x हो गया, +1/3+1, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया है, -5 आ गया, और अपॉन में 3 प्लस 1, ठीक है, अब 1/3/3 लिख सकते हैं, तो इसको सॉल्व किया 2 अपॉन में मतलब 2 माइनस का 2/3 आ गया, वो हमारा बराबर में भी -2/3 ही था। इस तरीके से उत्तर की जांच भी कर दी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अपना उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये कह रहा है हल कीजिए, इसमें भी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 5x-2 इंटू में 2x-7 इज इकल टू में 2 × 3x-1 प्लस में 7/4 इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो करेंगे क्या हम क्वेश्चन में, तो हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, बराबर करते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको ऐसे करेंगे, देखो भाई 5x और 2 की गुणा अंदर कर देंगे, तो 2 × 4x और माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई। ठीक है, इस माइनस की गुणा इस माइनस से हुई तो प्लस हो गई, 2 × 7 = 14 हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 1x, मतलब 1 तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, तो खाली x इसको हम लिख सकते हैं, x+14 इधर आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे इधर बराबर के इधर वाला, तो ये हमारा 3 × 2, इसमें भी 2 की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, 2 × 3 = 6x, और माइनस क्या हो जाएगा, 2, और प्लस में 7/2 ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा 2 ना हो गया, 6x लिखा रहने देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 माइनस का, ठीक है, और ये हमारा 1 × 1 = 1, ठीक है, 1 × 7 = 7 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या था, ये आ जाएगा 3, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको -4 और +7, हमारा ये 6x था, ये हमारा 3, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, 3/2, ठीक है, इतना हो गया। इधर हमारा क्या चल रहा था, x+14 चल रहा था ऑलरेडी, और हम क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे, ठीक है, x इधर था और 6x इधर आया तो माइनस में हो गया, 3/2 इधर था, और 14 को उधर भेजा तो ये माइनस में चला गया, तो ये हमारा -5x हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 14 × 2 = 28 हो जाएगा। अब हम घटाएंगे तो हमारा 25 बचेगा माइनस का, 2/2, इधर हमारा -5x था, माइनस से माइनस कट गया, और 5 × 1 = 5, 5 × 25, ठीक है, तो x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। आप देख सकते हो हमने कितना सॉर्ट करके बताया, मतलब आपको हर स्टेप भी समझ में आई होगी, और इतने में ही आ गया है, और आपकी बुक का आंसर देखो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। फिर हमारे पास जो 5/2 आया था उसको रख के उत्तर की जांच कर ली गई है, बस इतना काम किया है। ठीक है, तो उत्तर की जांच करना, अगर बोल रहे हैं उत्तर की जांच करो तो ही उत्तर की जांच करनी है, वरना हर बार में उत्तर की जांच नहीं करनी है। ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि इसको सत्यापित भी करो तो उत्तर की जांच करनी है। अब हमारी एक्सरसाइज आ गई है 2.2, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।